आज कुछ ज्यादा खास किया नहीं है, तो मैंने दिन भर ब्लॉग नहीं किया, और अभी सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा मॉर्निंग में ही अगर स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर पूरा दिन मन करता है शूट करने का। अगर मैंने मॉर्निंग में नहीं स्टार्ट किया उसके बाद तो मैं बिल्कुल आलस आ जाता है, और इसी चक्कर में मैं आलस के चक्कर में, काम के चक्कर में स्किन को बहुत दिनों से भूल रही हूँ। तो हमें अपना स्किन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, खाने के साथ साथ लगाने पे भी ध्यान देना चाहिए हमें, नहीं तो जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी आ जाएगी, रिंकल्स, पिगमेंटेशंस, टैनिंग बहुत हो रही है मुझे। यस बताओ मम्मा। अभी ध्यांश की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, बट अभी ठीक है काफी हद तक। ओके, तो इसमें मैंने मिलाया है बेसन, कच्चा दूध, ड्राई रोज पाउडर जो कि मैंने घर में ही बनाया है, एंड टर्मरिक, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही क्विक सा बनाकर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ध्यान देना चाहिए हमें अपने स्किन की, हमें हमेशा ही अनदेखा कर देती हूँ नॉर्मल, क्योंकि अगर हम जैसे वॉश करके स्किन केयर करते हैं वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ कभी कभी स्क्रबिंग, इस तरीके से फेस पैक, घर पे थोड़ा सा क्लीन अप, ये भी ज़रूरी है। गाइस, तो नीरव और नीरव के डैडी गए हैं थोड़ा बाहर, नीरव का मन था घूमने का, और प्लस उसके थोड़ा सा इरेजर पता नहीं बहुत ज़्यादा खोते रहते हैं, आई डोंट नो, जो मेरी मेड है वो पता नहीं फेंक देती है कचरे में या क्या, एक दो बार पेंसिल मैंने देखा फेंक देती है वो, बिल्कुल अच्छे अच्छे बिल्कुल नए नए पेंसिल को मैंने देखा है फेंकते हुए, एक बार दो बार यूज़ किया उसको मैंने फेंकते हुए देखा है, तो इस चक्कर मैंने उसको मना कर दिया कि प्लीज़ इस तरीके से मत फेंका करो, कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है बेड के नीचे, कभी टेबल के नीचे, तो उसको उठा कर रख दिया करो। तो उसके बाद से अब देखो इरेजर वगैरह नहीं, शार्पनर वगैरह, पता नहीं इरेजर वगैरह भी करती है कि क्या, एनी टाइम में दो दो बच्चे रहते हैं उनमें लगी रहती, तो एक एक चीज़ मैं नहीं देख सकती ना उनको, थोड़ा सा पता नहीं उन समझती थोड़ा कम है मेरी बात, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, तो वही गया है। मैंने कहा है थोड़ा बड़े वाले लेकर आना, तो कह रहे अरे दुकान वाले को बोलूँगा भाई 1-2 किलो का है शार्पनर तो दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत इधर उधर घुमाता रहता है। ओके, तो इसे रहने दूंगी ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट, एंड देन या आज आज गाइस क्योंकि दिन में थोड़ा हैवी हो गया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी, तो हो सके तो मैं फ्रूट्स, क्योंकि मैं फ्रूट्स ले ही नहीं पाती हूँ, आई डोंट नो, मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो उसको सबसे लास्ट ऑप्शन रखती हूँ, तो अभी सोचा है डिनर में मैं फ्रूट्स वगैरह ही खाकर सो जाऊंगी, और दूध का तो भरमार पड़ा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं दूध का करूँ तो करूँ क्या, मतलब इधर दूध इधर दूध इधर दूध इधर दूध और इधर दूध, खाली दूध ही दूध है यार, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, भरमार दूध की देख सकते हो लाइन, और किचन अभी फैला हुआ है, तो क्योंकि नीरा की ध्यानश की थोड़ी पेट खराब चल रही थी, तो इस वजह से वो लोग दूध बिल्कुल नहीं पी रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा भर गया है, मैंने भी 2 दिन नहीं पिया, तो सोचे रबड़ी बना लूँ, हाँ बताओ, तो सोच रही हूँ या तो रबड़ी बना लूँ, क्या बताओ, या तो रबड़ी बना लूँ या कुछ, तो ध्यानश भी नहीं पी रहा था, हाय कर दो से हाय, तो ध्यानश ने भी खिचड़ी, खिचड़ी खाने के बाद भी एनर्जी नहीं आई, हाँ खिचड़ी तो बड़े मजे से खा रहे थे, खिचड़ी खा के भी एनर्जी नहीं आई बच्चे को, भैया गया, क्या लेके आया भैया, बहुत बड़ा शार्पनर, देखा ना कौन सा शार्पनर लेके आया भैया, ये वाला, ये कौन से तरीके का शार्पनर है भाई, यूनिक शार्पनर, और ये बहुत बड़ा लेजर, पेंसिल भी लिया है, पेंसिल तो है बेटा, डब्बा पड़ा हुआ पेंसिल का, पेंसिल साला साला टूट गया है, पेंसिल है वो, पेंसिल नहीं कहने का मतलब ये नहीं होता, पेंसिल नहीं कहने का मतलब छीलना पड़ेगा, नया निकालना पड़ेगा, मैंने कहा सर खत्म हो गया, चलो चलो। और ये रहा ध्यान का मेन्यू, जो कि अभी आजकल उतना फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान की थोड़ी अभी तबीयत गड़बड़ चल रही थी, तो ड्रिंक में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में, डिनर में, चल रहा है लगभग वैसा चल रहा है, बट थोड़ा सा पेट के हिसाब से अभी चल रहा है, ठंडा तो खाली खिचड़ी दिखाई देता है खाते में, क्या खिचड़ी, क्यों खिचड़ी खाते हुए दिखाई, ड्रिंक ड्रिंक में कुछ नहीं दिखता है, फ्रूट्स में नहीं दिखता है, पानी पीता है और फ्रूट्स नहीं दिखता है खाते हुए, फ्रूट्स में सेब दिखता है, खिलाती तो मैं हूँ ना, और बनाना नहीं खाता है, खाली बनाना है एप्पल सब खा खा के,
थोड़ा सा गुस्सा। कहाँ दर्द हो रहा था बताओ? इस तरफ दर्द हो रहा था बच्चे को, फिर मामा ने दवाई दिया तो ठीक हो गया। डिप्रेस खोल दो, ठीक हो गया। और अभी स्टडी कौन करेगा? चीकू करेगा स्टडी, नीबू करेगा नीबू। चलो चलो देख रहे, ये कौन सा प्यार हो रहा है भाई, ये कौन सा प्यार हो गया? कंगारू जैसे, ये तो अपना ताकत ही दिखाता है। आज हम लोग सब हल्का फुल्का खाने वाले हैं, ज्यादा कोई कुछ नहीं खाएगा। और इस दूध का, इतना दूध का करूँ क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ओके ये लो, को देख लो, ये देखो, ये तो दुखी कर रखा है, बाप रे परेशान। और तबीयत खराब है तो देखो इसके भाव। ले चलो, तो ये रहा डैडी के लिए। अच्छे से पकड़ो बेटा। थैंक यू बेटा, लव यू। तो आज डैडी खाएंगे ये फ्रूट्स चाट, और मैं भी खाऊंगी अपना। ओके क्या दे देती? हाथ से खा लो ना। अच्छा हाथ से कैसे खाऊंगा? फोक दे दूं? एज यूजुअल ड्रामा, कोई भी ले लो यार, सब अच्छा ही है। देखो ना साइनिंग कर रहा है अभी, सही है, बड़े बड़े। वाह क्या साइन मार रहा है, देखो ध्यान। क्या किया अभी से इतने अच्छे अच्छे? हाय 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 हाय, ये एक उधर स्टडी कर रहा है। नीरव क्या स्टडी कर रहे हो? काउंटिंग। आज कहाँ जाना है? घूमी, बोलो घूमी घूमी गेट घूमी। बाय नीबू, मैं आ रही हूँ फटाफट से आ रही हूँ, ठीक है? बाय बाय। आ रहा है मम्मा, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं तैयार होकर थोड़ी बैठी हूँ, आपको लग रहा हो क्यों? तो एक्चुअली मुझे शूट करना है वीडियो, अदरवाइज़ नॉर्मली मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ। हालांकि ये भी बहुत कम है, न्यूड मेकअप मैंने किया है, पीची काइंड ऑफ लुक किया है मैंने। तो या तो अभी मुझे एक्चुअली करना है एक वीडियो शूट, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा बहुत मेकअप किया है। और ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है, वेट वेट वेट, मुझे थोड़ा सा ओके। तो मैंने ले लिया है अपना ट्राइपॉड, और अब जा रही फिक्स करने कैमरा। ये बहुत ही हैंडी ट्राइपॉड है वैसे, बहुत ही ज़्यादा। ये लोकली मार्केट से कहीं से लेकर आए थे, कोई खोलना कुछ नहीं, ताम झाम करनी, ऐसे ही कर दो और लगा दो, और ऐसे ही करके कहीं पर रख दो तो बहुत अच्छा होता है। तो एक्चुअली मैं अभी नायका से मेरे कुछ सामान मैंने ऑर्डर किए थे, कोई ऐसा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद ही खरीदा है, मुझे तो स्पॉन्सर वीडियो मिलते भी नहीं है बाय द वे। तो मैंने अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं जो कि मुझे जिसकी ज़रूरत थी, और सारे प्रोडक्ट के जो मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने अपने फेस पे लगाए हैं, वो सारे यही प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, एंड क्योंकि अभी मुझे बाहर नॉर्मली ऐसे सामने मार्केट में जाना है पैदल बाय वॉक, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो या बस ये ओके गाइस, तो फटाफट से पानी पी के जा रही हूँ, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, वेट कर रहे हैं, फटाफट से पानी पी के। मैंने नायका का वीडियो शूट कर लिया है, फटाफट से निकलती हूँ, ये लोग नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। ओ गॉड, मास्क चाबी। ओके नीरव ने भी मास्क नहीं लिया है, नीचे ही अभी वो उसका मास्क ले लेती हूँ। ओके चाबी, हाँ जी मुझे ना ऑलिव वाला चॉकलेट चाहिए। वेट माय चीकू, चलो चलो चीकू नानी से बात करना, यूनस से। हाय नानी, हाय करो चीकू, हाय से, हाय हाय से, हाय हाय। देखो भैया को देखो, से
स्लाइम से और चीकू किससे खेल रहा है? चीकू इज आल्सो प्लेइंग विद स्लाइम। इसको क्या करने वाला है? नेल से इसको। अच्छा ठीक। नीरा, ध्यांश क्या बना रहे हो आप? ध्यांश क्या बना रहे हो? केक। ध्यांश इज आल्सो मेकिंग केक फॉर मम्मा। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? ये केक है। देखो फ्रिज का लेके आ गया आइस ट्रे और देखो। सब्जी निकाल लो। ये है मेथी पनीर ना। मुझे तो नहीं अच्छा लगा। नहीं खाने में देखो ना। तो गाइस मेथी मलाई इतना गंदा था, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा था और कैसा मैंने किया। पहले ऐसा था मेथी मलाई और अभी ऐसा बना दिया मैंने। देखो अभी मतलब पहले ऐसा वाइट था, बहुत बेकार था, कोई स्वाद नहीं था।